इस डॉली की बच्ची ने तो यहाँ डेरा ही जमा लिया है। कोई इस बहन से यहाँ रहने की वजह पूछेगा? भाई माना इसके अंकल और आंटी परेशान है, मगर इसके यहाँ रहने से क्या सब सही हो जाएगा? हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ना यहाँ सिर्फ और सिर्फ अली को इम्प्रेस करने आई है। उसे इस घर की और इस घर वालों की कितनी फिक्र है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुम जैनी, मुझे तुम पर हैरत हो रही है। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या सलूक होने वाला है। मेरे साथ क्या होगा? डॉली के यहाँ रुकने ना रुकने से मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें क्या वाकई समझ नहीं आ रहा जैनी? हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, वाकई समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रही हैं। ओह मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि इस घर में सबको तब समझ आता है जब पानी सर से गुजर जाता है, और फिर बाद में ना सब मुंह बनाकर बैठते हैं, तब मुझे आग लगती है। आपकी बातों का क्या मतलब है? मुझे आपकी बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बहुत सीधे सी बात है, अगर वो यहाँ आकर रुक रही है तो इसमें क्या हो गया? भाई जाहिर सी बात है, यहाँ रह रही है, लोग मिलने आएंगे तो तारीफें बटोरेगी। और मैं तुम्हें बता रही हूँ जैनी, उसका मुकाबला सब तुमसे करेंगे, कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगा। क्यों भाई, मुझसे क्यों कंपेयर करेंगे सब उसे? भाई जाहिर सी बात है, वट्टे सट्टे की शादियों में यही होता है कंपैरिजन। और मुझे एक बात बताओ, जब आस्था आंटी का ऑपरेशन हुआ था तो तुम कितने दिन के लिए गई थी वहाँ? हाँ कितने दिन के लिए रुकी थी तुम उनके घर में? जारा गई थी ना, अब क्या सारे मुंह उठाकर चले जाते उनके घर? जारा गई थी जैनी, तुम नहीं। शादी वहाँ जारा के नहीं तुम्हारी होने वाली है, ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी। अगर मेरी बात उस वक्त सुन लेते ना आप लोग तो आज ये मसला ना होता। भाई साफ सी बात है, तुम साफ से कहो यहाँ से है और आके डॉली को लेकर जाए अभी की अभी। सुन रही हो ना मेरी बात? तुम